अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ से, जैसे कि आप सऊदी अरब में हैं या कहीं पर भी है, या कुवैत ओमान कहीं पर भी है, या आप इंडिया में हैं, तो आप यहाँ से कभी ना कभी अपने घर पर तो ज़रूर जाओगे। तो आपने सोचा है कि हमारा जो व्हाट्सएप है उसको क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना जो भी आपका व्हाट्सएप होगा वो जाहिर सी बात है 80% तो आपका सऊदी के नंबर पर या कुवैत के नंबर पर या कहीं पर भी नंबर पर आपका बना हुआ होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से खुरुज जाएंगे या आप छुट्टी जाओगे तो तकरीबन 2 या 4 महीने बाद वो आपका सेकामा यानी सिम जो है बंद हो जाता है, फिर आपका व्हाट्सएप है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो उसके बाद हम दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपका यानी व्हाट्सएप मोबाइल नंबर बंद होने से पहले पहले आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका मोबाइल नंबर वहाँ से चेंज हो जाए। आपके जो जितने भी चैटिंग रहेगी, जो भी आपने वहाँ पर वीडियो सेंड करी होगी, सेंड कर आई होगी, या आपने कोई से वीडियो या फोटो सेंड किया होगा, सभी के सभी आपके मोबाइल इसी तरह रहेगा। वो आपका मोबाइल से कुछ भी वहाँ से डिलीट नहीं होगा, आपको ऐसे ही आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको वो मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, इंडिया जाने से पहले कर सकते हैं या इंडिया से आप अगर कुछ आपका लगता है कि मेरा सिम बंद होने वाला उससे पहले कर सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले बता दूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बाल जो जरूर दबा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है, तो इसको हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से व्हाट्सएप हमारा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना है, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेटिंग वाला ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट का एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर जो आपको 4th नंबर पर यानी 4th नंबर पर आपको मिल रहा है चेंज नंबर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फिर इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सऊदी अरब में हो या आप इंडिया में भी हो, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो कंट्री कोड है आपको उसको चेंज करना होगा। तो जैसे कि हम सऊदी अरब में हैं तो यहाँ पर अपना पहले मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से अब नीचे वाला जो मोबाइल नंबर है, आप जैसे कि इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, किधर भी है, तो आपको यहाँ से अपना जो कंट्री कोड है वहाँ से चेंज कर लेना है। चलो अपने अपना कंट्री कोड चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके पास यहाँ पर देखें इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा, ये हमने गलत नंबर डाला है दोस्तों अभी, तो इसके लिए गलत नंबर बता रहा है। तो आपको जो एक SMS मिले, ओल्ड वाला नंबर है, इस पर आपको SMS मिलेगा। उसके बाद आपको नया नंबर पर फिर से ये आप बना सकते हैं इसको व्हाट्सअप को, ठीक है। पहले ओल्ड नंबर पर आपको मिलेगा यानी पुराने वाले नंबर पर एक SMS आएगा कि आपका ये एक जो व्हाट्सअप है इसको चेंज किया जा रहा है इस नंबर पर, तो आप क्या इसको करना चाहते हैं या नहीं, इस तरह से आपको एक SMS आएगा। तो उसके बाद आप क्लिक कर देंगे, उसी के बाद यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जितने भी आपकी चैट रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, जो भी रहेगा आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, पसंद आए तो पसंद आने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।